आपके दरमियान फिर हाजिर हैं अपनी तकलीफ़ें और अपनी इश्यूज़ के साथ। अभी रिसेंटली बताऊं तो अब ड्रग एडिक्शन जो है, जिसने हमारी भदरवा में ख़ास करके जो है हमारे यूथ को इस टाइम पे जो है एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, जो एडिक्शन, जो पेडलर्स हैं, जो लोग एडिक्शन बेच रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, और मासूम बच्चों को जो है बहला फुसला के जो है इसके अंदर लाया जा रहा है, तो सीरियस नोट पे कहीं भी इनिशिएटिव कुछ भी नहीं है। मैं हम लोग इस वक्त यहाँ पे इसीलिए जमा हैं क्योंकि हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि सीरियस नोट पे कोई भी इस चीज़ को इनिशिएट नहीं कर रहा, कोई सीरियसली जो है इस चीज़ पे जो है वो काम नहीं कर रहा। अब मुद्दा ये है कि ये सीरियस नोट पे क्यों काम नहीं किया जा रहा है? क्या हम किसी साजिश का शिकार हैं या कोई ऐसी जो फोर्सेस हैं जो हमारे जो जनरेशंस हैं इनको ख़राब करना चाहती हैं, जो इनको तबाह करना चाहती हैं? वेव्स यहाँ रहेंगे, हम लोग बात करेंगे इस बारे में आपके साथ लाइव। हमारे पास एक्चुअली सोर्स भी यही है इसके बाद, क्योंकि हमारे पास लोकल मीडिया या कोई और मीडिया का जो है हमारे पास कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू हम लोग आप तक पहुंचा सके बात को। तो फिर आखिरकार हम इसी सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो और अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। और बात यहाँ से शुरू होती है कि पिछले एक ऑलमोस्ट 8 महीने, मुझे अभी याद है 24 नवंबर में एक डेथ हुई थी, अराउंड 24 नवंबर लास्ट ईयर एक डेथ हुई थी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद से काफ़ी मौतें हमने देखी और उसके बाद काफ़ी हमने तमाशा हंगामा भी देखा, लेकिन लिटरली कोई बंदा सीरियसली इसको जो है कर्ब करने के लिए, ना ही कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ना ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ना ही कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसी भी चीज़ ने ऐसी चीज़ को इस तरह इसको सीरियसली नहीं लिया। और अब जब ये सब होने के बाद ये सब हुआ, इसके बाद जो हमने जब नौजवान खोए अपने, इसके बाद जब इनकी नींद खुली, तो ये लोग जो हो गए क्रेडिट सीकर्स बन के आ गए, फोटो सेशंस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन की अपीजमेंट। मुझे एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि एडमिनिस्ट्रेशन की अपीजमेंट करने से हम लोगों को क्या मिलने वाला है। उनकी अपीजमेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है, वो अपनी सैलरी से मतलब रखें, उसके अलावा भी उनके सोर्सेज ऑफ इनकम है, हमें उनकी अपीजमेंट से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम सीरियस नोट पे बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है इसका, इसके बारे में हम बात और भी डिस्कशंस हम लोग अभी इसको इधर ही वाइंड अप नहीं करेंगे कि मैं बात भाषण दे के चला जाऊँगा। अब सब लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और हमारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, अपने अपना विजन है इस चीज़ को लेकर, अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी जो है जगह पर हमने ये रियलिटीज़ फेस की। मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कहूँगा कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी अपनी जो है वो बात रखें। फहीम से पूछूंगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप कैसे देखते हैं इस एडिक्शन को और इस नेक्सस को किस तरह से आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे मतलब भदरवा में मतलब ड्रग्स का धंधा हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हाथ एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ नहीं है तो मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स आता कहाँ से है। अगर पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये ड्रग्स आना, सप्लाई जो होना है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो ये है कि वो भदरवा के जो कुछ लोग, चंद लोग हैं जो कि मतलब हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, वो फालतू में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तारीफ़ किए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो किस लिए तारीफ़ कर रहे हैं, क्या वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं? वो तो उनकी ड्यूटी है उनको मतलब ड्रग्स पेडलर्स जो हैं वो उनको पकड़ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये छोटे मोटे लोगों को पकड़ते हैं और उनको 2-4 दिन के बाद छोड़ देते हैं, तो उससे जो ये है, ये मसला जो है ये हल नहीं होने वाला है। ये मसला तभी हल होगा जो यहाँ की जनरेशन को तबाह कर रहे हैं उनको अरेस्ट करेंगे, तब जाके ये मसले सब हल हो जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा फ़िलहाल, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो ड्रग्स में बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है। बहुत ही दुख की बात है, बहुत दुख से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये नई जनरेशन जो है वो जो इन कामों में लगे हुए हैं, उनको भी मतलब थोड़ी बहुत उतनी समझ भी नहीं है कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इसके बारे में सोचे, खाली मतलब ये फ़ोटोज़ के लिए मतलब ये काम ना करें, ईमानदारी से काम करें और जो भी इसके पीछे इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करें।
थैंक यू। मैं मुजम्मिल, जो हमारे एक बहुत अच्छे टीचर उस्ताद जो आज की जनरेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं, और उस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है शायद हमारे वो लिटरेसी का वो जो ताज था केरलाई, क्या वो कहते थे हम, केरला, मिनी केरला, वो ताज शायद वापस लेके आए। मुजम्मिल से जानना चाहूँगा आपके विव्स जो हैं एडिक्शन के बारे में इस समय क्या क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फहीम भाई की बात से एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि छोटे मोटे पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है, दो दिन अरेस्ट के बाद फिर से छोड़ा जा रहा है, जब तक ये जो बिग फिशेस इन्वॉल्व हैं इस गेम में, जब तक इनके खिलाफ या इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये गेम यहाँ पर नहीं रुकने वाली। हमारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, हम एक्शन कमेटी वालों की बात हुई थी, जबकि पुलिस के पास भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, उन्हें मालूम है कि ये बड़े लोग कौन हैं जो ऊंची सतह पर ये गेम करते हैं, जो बड़े लेवल पर आकर इस ड्रग्स की इन और आउट करते हैं भद्रवाह में। जब तक उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे पेडलर्स को अरेस्ट करने से या ड्रग एडिक्ट्स को अरेस्ट करने से कोई चेंज आएगी। उसके बाद फिर से एक बात है कि ये जहर भी तभी बिक रहा है जब इसको खरीदने वाले हैं। फिर से भद्रवाह के लोगों से, तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों पर एक मुतवज्जा तौर से एक आंख उनके ऊपर बनाए रखें, उनके ऊपर एक व्यू बनाए रखें कि वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे, वो कहीं इस बीमारी का, इस जहर का शिकार तो नहीं हो रहे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर पुलिस कुछ करे या ना करे तो जो हम लोग इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं कम से कम हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुजम्मिल। मुजम्मिल के बाद हमारे सभी साथी जितने भी एक हमारे एक क्रीम है, यूथ जो है एम्पावरमेंट के लिए जिन लोगों ने हमेशा काम किया है, मैं असरार से उनके वेव्स पूछना चाहूँगा इसके रिलेटेड। असरार, आप क्या सोचते हैं? वैसे हमें कम मौके मिलते हैं अपने वेव्स रखने के, क्योंकि आप थोड़ा शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, पहले तो मैं सभी का ज़बानी जो है वो सुनिए। तो मैं असरार से पूछना चाहूँगा, असरार आपके क्या वेव्स हैं एडिक्शन के, इसके जो स्मगलर्स हैं, पेडलर्स हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे असरार आप? देखिए, यहाँ पे जितने साथियों ने व्यूज़ रखे सबके तकरीबन सबके एक जैसे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि यहाँ पे जो मुजम्मिल की बात करूँ, इन्होंने बताया कि बिग फिशेस सबसे बड़ी बात है, इनको ही अगर हम इनको चाहिए कि इन पर लगानी पड़े, सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ पेरेंट्स की बात आती है, अपने बच्चों को देखना पड़ेगा कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि रात में अक्सर बच्चे घर ही जाएंगे, घर वालों को तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल ही गई कि ये इतने लेट नाइट आ रहे हैं बच्चे, इनके एक्टिविटीज़ को देख के पता चल जाएगा कि ये कुछ ख़राबी इनके अंदर आ रही है। तो दूसरी बात मैं कहूँगा, यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये सब जानती है कौन इसके पीछे है, क्योंकि आप हमने पिछले दिनों न्यूज़ में भी देखा, कश्मीर से भी यहाँ लोग आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, हिमाचल से हमारे भद्रवाह जो कनेक्ट हो रहा है हिमाचल के साथ, तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, सारे यूथ इस वक्त जो यहाँ पे यूथ हमारी है जो अच्छे से काम करते थे पहले, आज ऐसा वक्त आ गया है कि हर मंथ यहाँ पे सोच रहे हैं लोग कि हर दिन एक नया बच्चा एडिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है? तो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ की पुलिस है, ESP भद्रवाह जो यहाँ के हेड हैं इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट के,
तो उनको चाहिए कि बड़े एक बढ़िया स्टेप उठाएं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं उनके खिलाफ, ताकि ये सब चीज़ें यहाँ पे मतलब ये चाहते ये आल, इनके पास एक इतना बड़ा सोर्स है कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे यही लगता है कि ये शायद जानते भी हैं, शायद ये खुद भी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, जो बड़े बड़े फिशेज़ हैं, जो मुजम्मिल की बात कहूँगा, बड़े फिशेज़ हैं, तो इनको रोकना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली आप छोटे छोटे प्याजों तक पहुँच सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ लोकल पुलिस तो चाहिए इसमें थोड़ा अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएं, और ये जो ड्रग्स इस वक्त यहाँ पर भदरवाह के अंदर फैला हुआ है, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करें, ख़त्म करें, बिल्कुल टोटली ख़त्म करें, मतलब कि इसकी जड़ी काट दें, फिर जाके हम सोच सकते हैं कि भदरवाह अब फिर से मिनी केरला के नाम से फिर से दोबारा से, क्योंकि आज तो बच्चे ज़्यादा नशावर चीज़ों की तरफ ही गए हुए हैं, तो स्टडी की तरफ तो काफ़ी लोग भटके हुए हैं, क्योंकि स्कूल बच्चे जाते हैं, अगर हायर सेकेंडरी की बात की जाए छोटे छोटे नशा करते हैं वहाँ पर, उसके बाद बड़े बड़े नशा उनके उनका शिकार हो जाते हैं, और जो भी पेडलर्स हैं तो उनको आसानी होती है इन तक पहुँचने। तो इन्हीं अल्फाजों से थैंक यू असरार। लंबी कहानी है, बहुत दर्द पुराना है, नया दर्द नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। मैं जानना चाहूँगा, मैं आकिब से जानना चाहूँगा, आकिब जो अभी रिसेंटली, मैं ये एक और चीज़ आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेलियर आपको बताता हूँ, आकिब जो रिसेंटली एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी से गुजरे हैं, और वो ट्रेजिडी ये थी कि माविस जो इनका भांजा था, तीन साल का भांजा था इनका, तो इनके भांजे के साथ क्या हुआ कि वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है उस चीज़ से आप सब वाकिफ़ हैं, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो सिलेंडर्स के साथ हुआ वो सब हमने आपको एक्सप्लेन किया है पहले कि कितनी ज़बरदस्त केयरलेसनेस और कितनी ज़बरदस्त नेगलिजेंस हुआ था। वो सब होने के बाद एक FIR रजिस्टर करने के बाद भी, एक चीज़ हमने FIR रजिस्टर किया, कोर्ट से किया, थाने वालों ने नहीं किया, कोर्ट वालों ने किया, उसके बावजूद जो है कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। और मुझे अभी जब किसी एक आम आदमी पे FIR लगता है, तो जब उस पर FIR लगता है तो एक्शन उसके घर पे पहुंच जाते हैं कि भाई बेल करा लो, 50-100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे दो, या बेल करा लो, किसी तरह से कुछ होता है। लेकिन जब इन्फ्लुएंशियल लोग के खिलाफ FIR होती है तो उस पर कोई एक्शन होने में 2-2 महीने, 4-4 महीने और 10-10 साल लग जाते हैं। खैर, इस बारे में हम बाद में भी कर सकते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये जो बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैं इनको एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं कहता, ये लोग जो हैं ये अपीजमेंट के भूखे हैं, चापलूसी के भूखे हैं, इन लोग को किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। खैर, मैं आकिब से ये अभी भी इस एडिक्शन की जो है एडिक्शन की लड़ाई में जो है खड़े हैं, इस इतना सब होने के बावजूद ये इस लड़ाई में जो है खड़े हैं, मैं आकिब से इनके बारे में इनके व्यूज पूछना चाहूँगा एडिक्शन के बारे में। आकिब, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें हाथ है, क्योंकि ये आजकल लोगों को पकड़ भी रहे हैं जो इसमें शामिल हैं, लेकिन 2 दिन के बाद इनको छोड़ रहे हैं, तो इनको रंगे हाथों पकड़ा भी गया और छोड़ा क्यों गया, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनको छोड़ा क्यों गया, और उसके बाद आगे कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, ये भी एक पॉइंट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पक्की बात है शामिल है, क्योंकि कोई भी एक्शन इन पर नहीं लिया जा रहा, और इन लोगों को पता है कि कौन सा बंदा कहाँ पर नशा कर रहा है। हम लोगों को पता है कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी के पीछे जाके देखो, दिन में 10 से 15 लड़के आपको वहाँ पर नशा करता मिले। हम लोकल लोग हैं, अगर हमें ये सब पता है तो लोकल पुलिस को ये सब क्यों नहीं पता, और इनके पास अगर कोई जाएगा भी बंदा बोलने तो मुझे नहीं लगता है कोई एक्शन लेंगे उस पर। तो पुलिस को चाहिए, जो यहाँ पे हेड हैं पुलिस के, उन्हें चाहिए कि गाइड करें अपने जो भी हैं साथियों को, और इसकी जड़ तक पहुँचे, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि आगे हमारी जनरेशन ही है, भदरवाह भी सेफ हो इससे, यही कहना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, थैंक यू आकिब। हमें बड़ों से छोटों से सीखने को चीज़ें मिलती हैं। मैं बुरहान के वेव जानना चाहूँगा। बुरहान, आप क्या आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं ये सब जो भी मेस क्रिएट हुआ है, जो सब हो रहा है हमारे शहर के अंदर, आप इस बारे में क्या वेव्स रखते हैं, आपका क्या विजन है इसके रिलेटेड, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सबसे बड़ी बात, जो हमारे भदरवाह में एक तरह का बीमारी, एक तरह की बहुत बड़ा डिजीज़ है जो देखा जा रहा है, जो फैल रहा है, जिसकी जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, ये देख के काफ़ी अफसोस की बात है कि ये जो हो रहा है उस पर कोई चेक नहीं हो रहा है, और
हमें जहाँ तक हमारे को लग रहा है कि लोगों का माइंड सेट अब तो सबने एक बात बोल दी कि मुझे ये लगता है कि लोगों का माइंड सेट ये बन गया है कि घर बैठे बैठे लोग सारे इसकी निंदा कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है ये गलत है। तब तक ये गलत है जब तक उनके घर में नहीं पहुंचती है, उसके बाद वो अलर्ट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मगर तब तक वो किसी ग्राउंड में होके किसी एक जगह आके एक गैदरिंग में आके जहाँ हमें ज़रूरत है उन लोगों की, जहाँ हमें उन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ हमें लोगों की, हम तो यूथ है, हमें तो पता है कि हम ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम मैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज बच्चों की सोच ही ऐसी आ गई है कि नशा। एक लड़के को मैंने अपने एक फ्रेंड ही है, मैंने उसको बोला कि मैं यार भाई नशा क्यों करता है, नशा छोड़ दे। बोलता नशा छोड़ दूँ मर जाऊँगा, नशा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है, ये वजह क्या है, ये कोई, मैं बोलता हूँ ये कोई साजिश है हमारे भद्रवाह के खिलाफ। हमारा भद्रवाह ही सफ़र कर रहा है इस साजिश में, क्योंकि हमारे भद्रवाह में हम देखा जाए डोडा किश्तवाड़ पुणे चुनाव वैली में अगर देखा जाए भद्रवाह में सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हो रही है वो ड्रग्स की वजह से हो रही है, अगर कंपैरिजन देखें हम डोडा की वजह से। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, वो जो है वो हाथ पे हाथ धराकर बैठा है, और कुछ लोग जो चापलूस लोग हैं वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि नहीं ये जो ड्रग्स वाले हैं ये यहाँ कोई ड्रग्स वाला नहीं है, और उनको क्या है कि उनको पैसे मिल रहे हैं उनसे, क्या पता, आई डोंट नो, बट मे बी कुछ हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट होती हो सकती है, उसी की वजह से ये जो बीमारी है आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। और छोटे छोटे बच्चे आज सप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स को ओपनली इन मार्केट्स में कर रहे हैं, हर जगह शॉप्स पे मिल रहा है, मेडिकल शॉप्स पे मिल रहा है, बट कोई पाबंदी नहीं है उस पे। उस चीज़ को अगर ये चेक नहीं करेंगे तो इससे बेहतर है कोई एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी तो ये ड्यूटी बनती है, अगर वो ड्यूटी अपनी फ़र्ज को ना निभाए तो इससे बेहतर है कि वो अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन दे दे। ये एक तो एक लॉलेस तरीके का सिस्टम बन रहा है, जहां हमारे भद्रवाह को मिनी केरला से मिनी पंजाब की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो भद्रवाह एक ऐसा हब, एजुकेशन का हब माना जाता था, बट देखा जा रहा है कि यूथ जो नई जनरेशन आ रही है वो मोस्टली जो एजुकेशन से हट के ड्रग्स की तरफ जा रही है। अगर ये इतना बड़ा लूप होल है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं दिख रहा है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके खिलाफ अगर सख्त एक्शन नहीं उठाएगा तो याद रखना हमारे भद्रवाह में ऐसी तबाही आ जाएगी कि हर किसी के घर में ये आग फैलेगी, और उसके बाद फिर पछताने के लिए भी हमें मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू।